वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम बात करेंगे एक पथिया डोंगल में हुआ खोटा कविता संकलन। एक पथिया डोंगल में यानी एक पथिया डोंगो या संकलन करता और संपादक संतोष कुमार महतो, प्रकाशक रामधान प्रकाशन गांगजोरी, पहला प्रकाशन वर्ष 1990, दूसरा प्रकाशन वर्ष 2005। इस पुस्तक का समान परिचय, एक पथिया डोंगल महुआ का समान परिचय, नामकरण पुस्तक का नाम प्रतीक में है। जिस प्रकार जहाँ तहाँ से अलग अलग पेड़ों से महुआ चुनकर पथिया यानी टोकरी भरी जाती है। आप लोग सभी कोई तो जो जो गांव या जंगल से बिलोंग करते होंगे वो लोग देखे होंगे किस टाइप से महुआ को चुनते हैं। वैसे ही विभिन्न कवियों से कविता इकट्ठा कर इस पुस्तक को बनाया गया है। उसी तरह जिस तरह हम लोग महुआ चुन के पथिया में भरते हैं, उसी तरह से कई कवियों ने मिलकर इस कविता को या यह पुस्तक को बनाया है। अर्थात कवि रूपी पेड़ों से कविता रूपी महुआ डोंगकर यानी चुनकर किताब रूपी पथिया को भर कर लाया गया है। डोंगने यानी चुनने का काम किया है संतोष कुमार महतो ने। डोंगवैया संतोष कुमार महतो, एक नंबर का क्वेश्चन है। संतोष कुमार महतो डोंगने का कौन काम कर रहे थे? संतोष कुमार महतो एक पथिया डोंगल महुआ में खोटा के आधुनिक एवं नवयुग के कुल 42 खोटा कविताओं को शामिल किया गया है। कितने खोटा कविताओं को शामिल किया गया है? 42। किताब की पहली कविता खोटा में सबसे महान कवि श्रीनिवास पानौरी की है। सबसे पहला खोटा कवि कौन है? श्रीनिवास पानौरी। अंतिम कविता अनंत लाल महतो की है। और अंतिम कविता किसकी है? अनंत लाल महतो की है। इस पुस्तक में शीर्ष पर स्थापित मूर्धन्य कवि से लेकर नवोदित नए कवियों की कविताएं भी संकलित है। यह खोटा की एक मात्र ऐसी कविता संकलन पुस्तक है जिसमें एक साथ इतने कवियों की कविताएं शामिल की गई हो। संतोष कुमार महतो द्वारा इकट्ठा कर छपाई गई इस कवि किताब की कविताएं प्रगतिशील विचार की हैं। कुछ कविताएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, कुछ सामाजिक बुराइयों की कटाक्ष करती है, कुछ धर्मों के नाम पर पाखंडी ढकोसलों पर प्रहार करती है, कुछ कविताओं में राजनीति और भ्रष्टाचार में व्यंग किया गया है। आगे मुख्य कविता उसकी कवियों और संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। तब देखते हैं आगे कविता का शीर्षक कवि कविता विषय वस्तु। पहला है हमने सब एक, श्रीनिवास पानौरी मानवता और राष्ट्रीय एकता के प्रति लिखे हैं। आगू करब अपना देश सुकुमार लिखे हैं सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय एकता के बारे में। जय जवान जय किसान महेश गोलवाल, देश हित में फौजी जवानों और किसानों के योगदान का बखाना। मेड़ और मानुष शिवनाथ प्रमाणिक, धार्मिक प्रखंड पाखंड का विरोध। आज इकाई खोटा एके जा खोटा आंदोलन और खोटा की दशा दिशा, कैसे खोटा चलाना है, कैसा चल रहा है। फिर रुसल भोला संतोष कुमार महतो शिव जी के परिवार के प्रतीक में एक गृहिणी स्त्री की परेशानी का चित्रण, यानी शिव जी के परिवार में प्रतीक गृहिणी यानी घर गृहस्थी जो स्त्री लोग करते हैं काम, उनके चित्रण में बताया गया है, लिखा गया है। फिर है चाशा शांति भारत, शिक्षित बेरोजगारी को नौकरी के चक्कर में भटकने के बजाय खोटा खेती करने का प्रेरणा देना। ढड़नच सुकुमार, नई पीढ़ी के फैशन पस्त मेहनत चोर लड़कों का व्यंग, सोचा उपाय दिनेश तिनमणि, धर्म के नाम पर सामाजिक शोषण का विरोध। घूस गजाधर महतो प्रभाकर, सरकारी कार्यालयों में चल रहा रिश्वतखोरी पर व्यंग, राजनीतिक पैसा की गिरदारी गोस्वामी, आरक्षण व्यवस्था का विरोध। दोषेक जुआन प्रोफेसर विनोद कुमार जवानों
की बलिदानी की प्रशंसा। दुखेक सुरेश सुखे खांसी। बंसीलाल बंसी झारखंडियों की दुख दर्द के बारे में। घर एक फूट परितोष कुमार प्रजापति। आपसी फूट छोड़कर एकता प्रेरणा। 15 है तनी सुन रे मानुष विश्वनाथ दसौंधी दास राज। भेदभाव का विरोध और मानवता का संदेश। फिर ढेसा ढेसी छोड़ ढेसा ढेसी लड़ा लड़े होते हैं वो लड़का। अरसनाथ महतो लिखे हैं किसी काम को खुद करने का प्रेरणा। खुद करने की प्रेरणा यानी किसी काम को अपने से करना चाहिए उसके बारे में लिखे हैं कौन अरसनाथ महतो।